गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे। तो इतनी बड़ी चीज़ सामने रखी है, कुछ बताने से पहले ही भांडा पहले फूट जाता है। सो आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। सो अभी मैं जो हूँ अपना जो फेस का जो है ट्रीटमेंट करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं सबसे पहले मेकअप करने से क्या करती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया है, मैंने काफ़ी बार वीडियो तो बनाया हुआ है और इस तरीके से ये लोशन मैंने डाला है। ये आयुर का एक्सटेंशन लोशन है जो कि बहुत अच्छा होता है गाइस, और अगर आपके फेस पर पिंपल है ना तो उनमें भी रोकथाम रखता है, बहुत अच्छा है ये। तो इसको मैं अच्छे से पूरे फेस पर लगाऊँगी। ओके, ये डेली का जो होता है हमारा, इसको डेली में हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए गाइस, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है, क्योंकि ऐसे ही हम अपने फेस को ओपन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि डस्ट जो है डायरेक्टली हमारे फेस पे जाती है। ओके, तो डस्ट से बचाव के लिए हमें ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं अच्छे से फेस को क्लीन करूँगी टोनर से, और आपको डस्ट भी दिखाऊंगी फेस वॉश करने के बाद। ये देख सकते हो गाइस, ये फेस वॉश करने के बाद की डस्ट है, फिर भी आती है। इतने ही फेस को हम साफ कर ले, लेकिन डस्ट हमारे फेस से नहीं जाएगी। सो गाइस मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है, थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ेंगे 2-4 सेकंड ऐसे ही ओपन। ओके, लगाने के बाद डायरेक्ट हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्ट लगा है इसको अब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगेगा स्किन के अंदर। ओके, तो थोड़ी देर के बाद हमें ऐसे छोड़ने के बाद जब ये सूख जाए अच्छे तरीके से, ये थोड़ा सा गीला गीला सा लगता है ना, तो इसको सूख जाने देना है आपको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं जो है क्योर स्किन का जो क्रीम है इसको ले रही हूँ, एक पंप इस तरीके से। ये मॉइस्चराइजर भी आप कह सकते हो, ये मॉइस्चराइजर जैसा ही काम करता है फ्रेंड्स। ओके, इस तरीके से मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी। अरे मम्मा, पूरे फेस पे इस तरीके से हल्के हाथों से हम मसाज करेंगे मॉइस्चराइजर से। ओके, तो अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें ऐसे स्किन रूटीन का ख्याल रखना होता है गाइस, नहीं तो हमारा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल मैं अपने फेस पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी, बस यही हल्का सा जो मेरा ट्रीटमेंट रहने वाला है यही रहेगा। ओके, बस मैं इसको छोड़ दूंगी। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। कॉफी कलर की हमारी लिपस्टिक है गाइस। कैमरे में ये मेहरून कलर दिख रही है, और लिपस्टिक लगाने के बाद फेस का कलर ही फेस का लुक ही चेंज हो गया, कलर बोल रही हूँ। पता नहीं वीडियो बनाते बनाते मुंह से क्या क्या निकलता है, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता फ्रेंड्स। मेहनत जो लगती है हमारी वो अलग से लगती है, और हमें जो सोच समझ के बोलना पड़ता है वो हमारा अलग से होता है। तो इसीलिए हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ऐसे सिंदूर से ही टीका लगाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आपको दिखाई नहीं देगा, अब देगा, देखो कितना बड़ा टीका लगा दिया मैंने। ओके, सो अभी मैं लगाऊंगी काजल। तो फ्रेंड्स काजल किधर चली गई? काजल यहाँ से गायब है, मैं ढूंढ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। जिस काजल को ढूंढ रहे थे वो तो नहीं मिली, दूसरी मिली, उसको ही लगा लेते हैं गाइस। सो प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और अपना प्यार जरूर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, और ये स्किन रूटीन आप लोगों को कैसा लगा है आप प्लीज़ बताना हमें कमेंट करके, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं। और मेरी आंखें हो गई हैं मोटी मोटी। काजल लगने के बाद
आंखें ऑलरेडी अच्छी लगती हैं, तो आप लोग बताना जरूर मेरा स्किन रूटीन कैसा लगा और ये पिंपल देखो कैसा मोटर निकल के आ जाता है। सो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि वीडियो पसंद आया आपको, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।